अभी ये है, देखो ये भी एकदम सो सिंपल है, इसका हमको पता है फार्मूला, डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा, साइन इनवर्स एक्स वन का, आईटी में हम लोग देख चुके हैं बहुत बार, 11th क्लास के आईटी में, 12 के पार्ट वन वाले बुक्स में। ओके लेट कर लो इसको, साइन कर लो क्या टी, इसका क्या हो सकेगा, तो हमारे पास ये रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर होता है। ओके ये डी एक्स इक्वल टू ये डी टी, डी एक्स क्या हो जाएगा वन माइनस एक्स स्क्वायर ये डी टी, तो हमारे पास फॉर्मूला है साइन एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर ये, इसको टी मान लो, ये मेरे पास क्या वन माइनस एक्स स्क्वायर, ये क्या हो गया डी टी वाई, वन माइनस एक्स स्क्वायर ये हो गया डी, ये गोज आउट, ये मेरे पास टी डी टी, तो इसको हम लोग इंटीग्रेट कर दें, क्या हो जाएगा 2/2 + c, बस तो इसका हमारे पास हो जाता है, इसका टी का वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, क्या हो जाएगा साइन इनवर्स वन एक्स का स्क्वायर बाय 2 + c, तो कंप्लीट। ठीक है, तो अभी फिर से एक बार चेक दिखा देते आपको, साइन इनवर्स एक्स है तो ये फॉर्मूला होता है, तो साइन इनवर्स ये हो गया, यहाँ तक बात क्लियर, तो ये डी एक्स निकल गया मेरे पास, तो यहाँ पे अभी इंटीग्रेट पुट कर देंगे वैल्यू, तो साइन इनवर्स एक्स रूट अंडर ये, और ये क्या हो जाएगा मेरे पास साइन इनवर्स एक्स का टी, तो वन माइनस एक्स स्क्वायर ये, इसकी जगह वैल्यू पुट किया ये है हमारे पास, तो ये गोज आउट, ये टी टी का क्या इंटीग्रेट टी स्क्वायर हो जाता है कि 1 + 1, और ये हमारे पास दिस वन वैल्यू। ओके नेक्स्ट।